पंडोह में टूटे 100 साल पुराने लाल पुल के स्थान पर एक अस्थायी झूला लगाया जाएगा ताकि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के इलाका बदार के लोगों को आने जाने की सुविधा प्रदान की जा सके। यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ पंडोह, सप्रे, जागर और घ्राण का दौरा करने के बाद कही। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पंडोह में लाल पुल के स्थान पर वाहन योग्य बड़ा पुल जल्द बनाया जाएगा, लेकिन जब तक पुल नहीं बनता तब तक अस्थायी तौर पर झूला पुल की सुविधा दी जाएगी। यह झूला पुल 5.5 लाख की लागत से बनेगा और इसकी लंबाई 190 मीटर होगी। वहीं सप्रेई और घ्राण के पास भी अस्थायी व्यवस्था करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन पुलों के टूटने से इलाका बदार की आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों की आबादी प्रभावित हुई है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंडोह का जो पुल था ये लगभग 7-8 पंचायतों को कवर करता था, बसें 42 सीटर बसें यहाँ से जाती थी। इस पुल को हमारी सरकार प्राथमिकता पर बनाने की कोशिश करेगी। जब तक पुल नहीं बनता है तब तक हम कहते हैं लोगों के लिए झूले का इंतजाम किया जाए, और ये झूला लगभग 190 मीटर का होगा। 5.5 लाख रुपया इसमें खर्च किया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने के लिए जो है इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। आज हमारे बीच में मैंने कहा था जो हमारे मैकेनिकल के अधिशासी अभियंता है और जो इनके हमारे सिविल के भी सहायक अभियंता, मैकेनिकल के सहायक अभियंता और दूसरे जीव लोग भी यहाँ आए हैं। अब इसके बाद हम स्प्रिंग पुल का दौरा करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कैसे उसको बनाना है इसका एस्टिमेट जो है अधिकारी लोग तैयार करेंगे। उसके बाद जागर पुल जो है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते थे उस पुल का भी हम प्राथमिकता के आधार पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये ग्राम पुल का भी दौरा किया जाएगा, उसमें क्या किया जा सकता है। उसको पहले भी एक बार बह गया था, अब दूसरी बार बह गया, अब कोशिश करेंगे कि उसको और उसका स्पैन ऊंचा किया जाए और उसके लिए जो है अभी एस्टिमेट तैयार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सरकार से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जल्दी से दिया है ताकि इन पुलों का पुनर्निर्माण किया जा सके। नहीं, उसमें जागर के पुल की बात ही पहले लकड़ी थी, वो लकड़ी सारी बह गई, अब सिर्फ लोहे का स्केल्टन जो है वहाँ खड़ा हुआ है। अब हम लकड़ी की जगह जो है वहाँ लोहे की चादर बिछा करके लोहे के जो क्रॉस करके जो है उसको लोहे का ही तैयार करेंगे, लकड़ी का उसमें कोई इंतजाम नहीं रहेगा। इस तरह से अब ग्रहण पुल का भी कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या किया जा सकता है, उस पुल को भी पैदल योग्य बनाने के हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड, कांगड़ा।